हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जब बनाने जा रही हूँ बिना लहसुन प्याज के आलू गोभी टमाटर की सब्जी। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल हमारा देखो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं हींग डालूंगी और इसमें ये अब इसे अच्छी तरीके गोभी को हमें 5 मिनट बिल्कुल लाल लाल अच्छी तरीके से भूनना है। अब हमारी गोभी भून चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से। अब इसमें हम आलू डालेंगे कटे हुए। और हमें 5 मिनट आलू को भी इसी के साथ अच्छी तरीके से लाल लाल पका लेना है। अब ये हमारी आलू गोभी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में इसे तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। इसके बाद ये कटोरी में मसाला, जिसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और पानी में भिगो कर रख दिया था 10 मिनट पहले। अब इसे डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक ये सारा तेल छोड़ ना दें। अब ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। थोड़ी कुटी हुई अदरक। अब इसे भी हमें अच्छी तरीके से पकाना है। अब इसमें हम ये आलू गोभी भी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए अब इसे हम ढक देंगे। पांच मिनट इसे अच्छी तरीके ढक करके पकाएंगे हम। अब ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे हम।